छात्रों अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं, रहीमन देख बड़ेन को लघु ना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि हमें केवल मनुष्य की लंबाई या उसका बड़प्पन देखकर ही उसके गुणों का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, कभी कभी छोटे भी बड़ों से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिस तरह से एक छोटी सी सुई इतनी छोटी कि जमीन पर गिरने पर उसे ढूंढने में भी हमें थोड़ी सी मुश्किल आती है, परंतु यह सुई इतने बड़े बड़े काम करती है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ तलवार सुई के कंपैरिजन बहुत ही बड़ी होती है, परंतु ये कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करती, हमेशा काटने का, मारने का, अलग करने का ही काम करती है। इसके विपरीत सुई हमेशा जोड़ने का काम करती है। इसीलिए स्वयं को चाहे छोटा रखो लेकिन गुणों से भरपूर, ताकि हम एक दूसरे का साथ बनाकर आगे जीवन में बढ़ सकें। अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना को ना विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। इस दोहे में रहीम जी हमें अपनी निज संपत्ति का संदेश देते हैं। निज संपत्ति यानी कि जीवन में हमें बचत की आदत अवश्य होनी चाहिए है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जब बुरा समय आता है तो ऐसे में उसका कोई सगा संबंधी, माता पिता, भाई बहन अधिक समय तक उसका साथ नहीं दे पाते। यदि उसके पास स्वयं की जोड़ी हुई संपत्ति है तो उस बुरे समय को वह आसानी से काट सकता है। जिस प्रकार जलज यानी कमल का फूल, कमल की फूल की अपनी निजी संपत्ति उसका कीचड़ है, यदि हम उस कीचड़ को वहां से हटा दें तो रवि यानी सूर्य भी कमल को अधिक दिन तक खड़ा नहीं रख सकता, क्योंकि निजी संपत्ति के बिना हम स्वयं को ज्यादा दिन तक बचा नहीं सकते। इसीलिए रहीम के अनुसार जीवन में संचित करने का भाव अवश्य होना चाहिए। अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। छात्रों यहाँ पर रहीम ने पानी को तीन चीजों से जोड़कर उसका महत्व हमें समझाया है। सर्वप्रथम रहीम जी कहते हैं मोती का पानी यानी कि उसकी चमक। जब तक किसी मोती पर चमक होती है वो हमारे लिए कीमती होता है, हम उसे संभाल के रखते हैं, परंतु उसकी चमक समाप्त होने पर हम उसका मूल्य भी भूल जाते हैं। इसी तरह से मनुष्य का पानी यानी कि उसकी इज्जत। समाज में जब तक मनुष्य की इज्जत होती है वो सर उठा के जीता है, परंतु पानी उतरना यानी मनुष्य की इज्जत समाप्त होना उसका जीवन भी दुभर कर देती है। दूसरी तरफ चून अर्थात आटा, खाली आटे से हम अपनी प्यास या भूख नहीं मिटा सकते। भूख मिटाने के लिए हमें उस आटे में पानी डालकर उसे गूंधना पड़ेगा और तभी वो हमारी भूख मिटा सकेगा। इसीलिए जीवन में हमेशा पानी हमें अपने साथ रखना चाहिए। पानी हमारे लिए चमक भी है, हमारी इज्जत भी है और हमारी भूख का साधन भी है जो हमारी भूख को मिटाता है। आशा है छात्रों आपको यह सभी दोहे अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।